दुर्ग के जामुल नगर पालिका के अध्यक्ष के लिए दिलचस्प मुकाबले में बीजेपी के ईश्वर ठाकुर नए अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं। उन्हें कुल 12 वोट प्राप्त हुए, जबकि उपाध्यक्ष के लिए भाजपा से सीमा यादव को मैदान में उतारा गया था, लेकिन वे चुनाव हार गई। वहीं कांग्रेस ने अध्यक्ष के लिए सरोजनी चंद्राकर को उम्मीदवार बनाया था गया था और उपाध्यक्ष के लिए कांग्रेस ने सुनीता चिन्नीवार को मैदान में उतारा था। मतलब उपाध्यक्ष बनकर दुखी हैं क्या? अध्यक्ष नहीं बन पाया इसीलिए। उपाध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने, क्या कहेंगे, कैसे बने, किस तरीके की रणनीति रही, क्या कहेंगे? रणनीति तो अच्छा बना, हम लोग के तरफ तो सब ठीक ठाक चल रहा था। कैसे कह रहा है कि अध्यक्ष पद आप लोग हाथ से निकल गए, उपाध्यक्ष में कांग्रेस? जी उपाध्यक्ष में कांग्रेस आ गई, लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष पद निकल गया। जीत मतलब जीत को लेकर आप खुशी जाहिर कर रही हैं? अब अध्यक्ष नहीं आया, थोड़ी मुझे दुखी हो रही हूँ, लेकिन स्वयं में तो उपाध्यक्ष बनी हूँ। सत्ता में कांग्रेस की सरकार है जी, और आप कांग्रेस से ही हैं, तो उसमें आपके विकास के कार्य को लेकर के क्या रहेगा? आप उपाध्यक्ष हैं, भले अध्यक्ष ना बन पाए, उसको लेकर के क्या कहेंगे? विकास तो होते रहेगा, अभी हमारी सरकार भी है, उसके आधार पर भी, और पालिका में जो बैठेंगे उपाध्यक्ष पद में भी बैठेंगे, उसमें भी हमारा विकास होते रहेगा। जामुल की जनता की जीत है, खासकर एसीसी कॉलोनी में पूरा जनता की जीत है, पूरा जामुल के जितने नगरवासी है सबका भरपूर आशीर्वाद और उनका स्नेह मिला, मैं इसको जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। आने वाले समय में मैं पूरा युवाओं के लिए और सभी के लिए ऐसा काम करके दिखाना चाहता हूँ जो जामुल की जनता की जीत में हो, और आज मैं इस मुकाम में हूँ। मेरी इस मुकाम में पहुंचने का सबसे बड़ा श्रेय मेरी आदरणीय मेरी नेता जिनका आशीर्वाद सदैव मेरे को मिला है, दीदी सरोज पांडे जी, उनका आशीर्वाद, मेरे पूर्व जिला अध्यक्ष जी भाई साहब डहरे जी।